ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। वोट भी आप मोदी को दोगे? हाँ देंगे। किसको, किसकी जीत है, किसकी हार है, किसकी टक्कर है? यहाँ तो इकरा की है और भाई मोदी की है, मोदी की ज्यादा वोट करेगी भाई यहाँ तो। अच्छा तो क्या रहा नाम है, मतलब मुस्लिम समाज भी मोदी जी को वोट देगा? नहीं, वो इकरा पे भी जाएंगे, हिंदू के भी जाएंगे, सबकी जय। जैसे पहले गिरती आई ऐसे गिरेगी वोट। तो आप किसको वोट दे रहे हैं आपकी बार? जी हम तो मोदी से देंगे। अच्छा हाँ, क्योंकि सरकार अच्छी है, कोई नुकसान नहीं है। बताओ क्या नुकसान है? मोदी से देंगे, कैंडिडेट कोई हो, यहाँ का कैंडिडेट हो तो उससे ही देंगे। यहाँ वोट ज्यादा कर मुस्लिम का। अच्छा, तो खास करके उसे ही देंगे जी, इकरा इकरा को ही देंगे। तो इकरा आसन में ऐसी क्या खास बात है जो मुस्लिम समाज भाई इकरा आसन को वोट देगा? वो पुराना है ना हिसाब, पुराना है ना हिसाब, नया नहीं है, पुराना है। उसका क्या पुराना हिसाब है? इसका बाप कैमरे के सामने बताओ। अच्छा, इसका बाप रह चुका है यहाँ नेता। अच्छा, भाई भी है। नमस्कार, आज हम जनपद शामली के कैराना बाजार में मौजूद हैं, जहाँ पर चुनाव का माहौल चल रहा है और हुक्के की गुड़गुड़ाहट और हुक्के की बिक्री आसमान छू रही है। लोग, आज ईद का दिन है लेकिन फिर भी हुक्के की मरम्मत, हुक्का नया बनाना लगातार चल रहा है। इनसे पूछते हैं, चुनाव 2024 है, उसमें क्या माहौल है और क्या कैसे हुक्के की आज बिक्री हो रही है? भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? सुंदर सिंह। तो सुंदर जी, ये बताओ, आज ईद का दिन है, छुट्टी का दिन है और फिर भी आज अपने हुक्के में लगे हुए हो, क्या इससे ईद के दिन से और चुनाव के टाइम से हुक्के की आमदनी बढ़ी है और बनाने के लोग कितने मात्रा में आ रहे हैं? फिलहाल कम है जी फिलहाल। अभी क्यों कम है? क्योंकि कुछ ईद में लगे हुए हैं, रमजान चले हुए थे, इसलिए हुक्का भी चल नहीं रहा था इतना। अच्छा, आप लगातार हुक्का नए हुक्का बनाने में लगे हुए हो और मतलब ये कुछ भाई बता रहे कि कल हुक्के की बिक्री बहुत ज्यादा हुई है आज के मुकाबले, तो चुनाव में कुछ तो बढ़ाई होगा? चुनाव का तो फिलहाल कोई माहौल ऐसा नहीं है, तो दो ही है बस कैंडिडेट, और होते तो कुछ पता भी होता, फिलहाल अभी कुछ नहीं कह सकते। तो सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ा? फर्क पड़े ऐसी बात नहीं, फर्क तो पड़े है, जब रमजान हो जा, फिर लाइन कटने लग जा तो फर्क पड़े ऐसी बात नहीं। अच्छा सर, आपका कहना है कि अब रमजान भी है और गेहूं के कटाई का मौसम भी है तो इस वजह से आमदनी कम हुई है, भाई चुनाव में तो कुछ बढ़ा है मामला? अगर चुनाव में बढ़ता तो ये जब बढ़ता जो रमजान होते हैं। अच्छा, ये रमजान ना गया ना तो इसलिए भी बढ़ा नहीं। अच्छा, हुक्के पे लगातार चर्चा हो रही है, चुनाव की चर्चा हो रही है और बड़े बड़े बुजुर्ग चुनाव को लेकर गंभीर हैं और इसमें ये देख रहे कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, तो अब की बार किसकी जीत है कैराना लोकसभा पर? इस बारे में नहीं कह सकते फिलहाल। अभी भाई आप बाजार में बैठे हैं, तरह तरह के लोग आते हैं यहाँ पे, क्या माहौल है? इस बारे में कोई अभी वो नहीं हो रहा, जो कहना कि वो कह रहे कि भाई जीत रहा है वो हार रहा, इस बारे में कोई वो नहीं अभी। यहाँ दिलचस्पी कम है आपको? तो जैसे भाई यहाँ पे बीजेपी का भी प्रत्याशी है, सपा का भी प्रत्याशी है, बसपा का भी प्रत्याशी है, तो क्या माहौल है ये माहौल? माहौल तो कुछ नहीं है, बस ठंडा ही है अभी, ठंडा ही है अभी, कोई माहौल नहीं बता रहे। अच्छा, हाँ, यानी पहले वाली जो दिलचस्पी नहीं रही चीज़ों में। अच्छा, आपका कहना है कि पहले वाली दिलचस्पी नहीं है, क्या कारण है ऐसा? बस यही, जो पहले पुराने नेता लोग हैं हमारे, उन पर जी जान से अपने वोट दिया करते थे, चाहने वाले वोट थे उनके, अब वे है नहीं। तो पहले जो नेता हुआ करते थे उन पर भरोसा था, आज के नेताओं पर इतना भरोसा नहीं है? नहीं। ऐसा क्या कारण है जो आज के नेताओं पर भरोसा नहीं है? बस अपने काम निकल जा, नेता लोग इधर को चले जा, जनता फिर यही रह जा। अच्छा, मतलब वोट ले लेते हैं और काम निकल जाने पे जनता की तरफ ध्यान नहीं देते, ये कहना आपका? यही तो है ना जी, थोड़ा खुल के बताओ। हाँ जी। अच्छा, वोट किसको दोगे?
वोट तो हमारा मोदी को जाएगा फिलहाल। मोदी को? मोदी मतलब बीजेपी को। और जो आप प्रत्याशी हैं हमारे प्रदीप चौधरी भाई, इस क्षेत्र में आए हैं या आपके पास आए हैं, आपका कोई काम काज हुआ है ये? हाँ उधर आप भी बताओ। नहीं जी नहीं नहीं फिलहाल आते हैं तो जब भी तो हम बताते हैं उनको भी। आपको मिले कभी? नहीं हमें नहीं मिले ना, बाजार में आके किसे पूछा कुछ क्या मुसीबत है क्या नहीं, क्या बात हो रही, क्या परेशानी है, आते ही नहीं इधर। हाँ हमारे चौधरी साहब बैठे हैं, खुद उनसे मालूम करो। हमारे भाई क्या नाम बताया आपने? भाई हुक्के के दुकानदार सुंदर सिंह का ये मानना है जी, जो नेता लोग थे पहले के मुकाबले आज नेता अच्छे नहीं हैं। पहले नेता लोग सुनते भी थे, काम काज भी करते थे और क्षेत्र में विकास भी करते थे। आज नेता पे भरोसा नहीं है सुंदर भाई को। भाई भैया क्या नाम है तुम्हारा? अरे युवा हो तुम, युवा तो कितनी उम्र होगी आपकी? 18 साल। अच्छा तो आपकी बार वोट तो दोगे, वोटिंग तो करोगे? हैं वोट नहीं बन रहा है, वोट नहीं बन रहा है तो हुक्का तो बन रहा है? हाँ जी बिल्कुल हुक्का बन रहा। हुक्के की कैसी सेल चल रही? सही चल रही। तो पहले की मात्रा में सही चल रही है, फिर भी सही है अपना काम। तो चुनाव के टाइम काम बढ़ाया कुछ? हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं, सही चल रहा काम। अच्छा हुक्का जैसे क्षेत्र में और दूर दराज में प्रसिद्ध है, कैराने का हुक्का प्रसिद्ध है, तो कैसे कैसे हुक्के आप बनाते हो? कैसे बंधवा लो, सारे बांधते हम तो है? किस डिजाइन का बंधवा लो, किस डिजाइन का बंधवा लो देख लो, किस डिजाइन का बंधवा लो उस डिजाइन का बांध देगा। हाँ मतलब चुनाव के टाइम में कितनी परसेंटेज के करीब सेल बढ़ी है? सही है, फिर भी अपना काम मतलब काम सही चल रहा है। हाँ जी बिल्कुल। बराबर में बैठे हमारे जो सब्जी विक्रेता है, इनसे भी पूछते हैं क्या माहौल है कैराना का। क्या नाम है जो साहब? धर्मवीर है जी। धर्मवीर जी कैसा माहौल चल रहा चुनाव का, किसको किसकी जीत है, किसकी हार है, किसकी टक्कर है? यहाँ तो इकरा की है और भाई मोदी की है, मोदी की ज्यादा वोट करेंगे भाई यहाँ तो। अच्छा तो कैराना में मतलब मुस्लिम समाज भी मोदी जी को वोट देगा? नहीं वो इकरा पे भी जाएंगे, हिंदू के भी जाएंगे, सबकी जो है जैसे पहले गिरती आई ऐसे गिरेंगी वोट, तो वैसे ज्यादा जो है मोदी का हिसाब बनेगा ज्यादा। अच्छा धर्मवीर जी जैसे पहले हुक्के पे फैसले लिए जाते थे, हुक्के की गुड़गुड़ाहट पे जब पुराने लोग बैठते थे और निर्णय लेते थे अपना, तो वो एक फैसला लेते थे वो, क्या अब भी है ऐसा? अजी अब तो मुश्किल सा है, अब तो ये लोंडे ज्यादा पीने लगे, लोंडिया ज्यादा हो गए या ज्यादा सो गए। पहले पुराने आदमी थे जो बैठ के 10 आदमी बटले करके हो जाती बात, तो उनकी बात अलग थी, अब तो उनकी तो है ही कहाँ है। अच्छा जैसे प्रत्याशी हैं बीजेपी से प्रदीप चौधरी है और सपा पार्टी से इकरा हसन है और श्रीपाल राणा है बसपा से, तो इनमें तीनों में टक्कर है या नहीं है? हाँ जी नहीं, वोट तो जो खड़ा होगा मिलेगा, जो जो जिसकी जहाँ मर्जी हो तो मिलेगी, जहाँ भी हो है जी। आपके हिसाब से कौन जीत रहा है? भाई देखो जी अभी तो कोई लक्षण का हिसाब नहीं, लेकिन पलटा भारी तो जो है मोदी का ही रहेगा। आप दुकानदार है ना भाई, आपके तमाम लोग ग्राहक आते रहते हैं, जो आओ या ना हो नाम मोदी के नाम से ही वोट गिरेगी। हाँ धर्मवीर जी का कहना है कि प्रत्याशी कोई आए ना आए लेकिन वोट बीजेपी के मोदी जी के नाम से ही गिरेगी। क्या नाम है भैया आपका? कहाँ के रहने वाले हो? किस समाज से हो? कश्यप समाज से। अच्छा कैराना में कश्यप समाज की बहुत अधिक वोटें हैं, कम विधान कैराना विधानसभा में 35 से 40 हज़ार के करीब है। अब सपा पार्टी ने जो किरण पाल कश्यप थे पूर्व मंत्री भी थे, उनको MLC बना दिया है, तो चुनाव में इसका फर्क पड़ेगा जी? देखो फर्क तो पड़ता ही रहता है ये तो, लेकिन वोट कैंडिडेट से नहीं मिल रहे,
वोट मोदी से मिल रहे। अच्छा अच्छा, तो आप किसको वोट दे रहे हैं आपकी बार? जी हम तो मोदी से देंगे। अच्छा हाँ, क्योंकि सरकार अच्छी है, कोई नुकसान नहीं है। बताओ क्या नुकसान है? मोदी से देंगे, कैंडिडेट कोई हो, यहाँ का कैंडिडेट हो तो उससे ही देंगे। तो आप तो मतलब मोदी के समर्थक हैं, मोदी को देना है वोट, ना के प्रत्याशी को। क्या नाम है जी तुम्हारा? रफीक है, मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक जी, क्या माहौल है? माहौल यहाँ का है, माहौल तो जी यो है। इधर को आ जाओ सड़क से। यहाँ वोट ज्यादा कर मुस्लिम का। अच्छा, तो खास करके उसे ही देंगे जी। इकरा को ही देंगे जी। तो इकरा आसन में ऐसी क्या खास बात है जो मुस्लिम समाज भाई इकरा आसन को वोट देगा? वो पुराना है ना हिसाब, पुराना है ना हिसाब, नया नहीं है, पुराना है। उसका क्या पुराना हिसाब है? इसका बाप कैमरे के सामने बताओ। अच्छा, इसका बाप रह चुका है यहाँ नेता। अच्छा, भाई भी है, माँ भी है, अब बेटी है, तो पुराना भी है। तो आप वोट किसको दोगे? वोट तो जी इकरा को ही देंगे जी। आप इकरा को ही वोट देंगे? किसको वोट दो रहे? इकदो को है, इकदो को, इकरा को। और जीतेगी तो बीजेपी बता रहे लोग यहाँ? कोई नहीं, इकरा ही, इकरा के, इकरा को ही जीतेंगे हम। अरे इसके ही हम खिलाफ सभी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी कोई प्रदीप यहाँ नहीं आता है ना, काम करा इनने प्रदीप ने, कुछ नहीं आया प्रदीप, कोई नहीं आया यहाँ से, जानता इसको प्रदीप को आज तक नहीं आया किसी दिन। तो देखा तुमने प्रदीप चौधरी? नहीं देखा, आया कि नहीं आता, कभी नहीं आया। तो क्या इकरा मिलती जुलती रहती है? हाँ मिलती जुलती है, हमारी बहन है, हमारी वह बैठी, हम तो उसके देंगे बहुत अपनी देंगे। भाई हमारे कैराना के जो युवा हैं आज ईद का जश्न मना रहे हैं, तो क्या माहौल है कैराना का? ठीक है फिलहाल, इकरा जीतेंगे, इकरा जीतेंगे। प्रदीप तत्न के दिखरा ने ना देखा ना। अच्छा अच्छा, वो मंडी जी में तो इकरा, वो इकरा फिर सारे ने बता। मोदी पे जाएगा सारे वोट है, मोदी पे जाएगी वोट, मोदी पे जाएगी। किसकी जाएगी? मोदी पे किसे जाएगी है? मोदी पे जाएगी। चल तुम मोदी को वोट दोगे? हाँ देंगे। अच्छा, तो क्या खास बात है मोदी जी में? मोदी तो गुंडा करते खत्म होगी। अच्छा, कोई आदमी बेफिक्र होगा, खेस हो जा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और योगी जी? योगी भी सही है, योगी का सरकार भी सब बड़े चल रही। अच्छा अच्छा, तो वोट भी आप मोदी को दोगे? हाँ देंगे। क्या नाम बताया आपने? सद्दाम भाई। सद्दाम का भी मानना यही है, वैसे तो इकरा के ये चाहने वाले हैं, क्योंकि कह रहा ना कि इकरा हसन है और वोट देंगे मोदी जी को, मोदी जी के समर्थक कैंडिडेट को, क्योंकि मोदी जी ने कानून व्यवस्था बहुत अच्छी की है और बहू बेटियां लगातार किसी टाइम भी आ जा सकती है, और उनके कार्य इनको समझ में आ रहे हैं। और यहाँ पे एक हुक्के की दुकान के मालिक सुंदर का भी कहना है जी, अब की बार ऐसी कोई खास सेल हुक्के की नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ पे कुछ गेहूँ काट कटाई का समय है और ईद का समय है और चुनाव का समय है, लेकिन पहले से ज़्यादा हुक्के जो दूसरा भाई बैठा है उनके बताए सेल हुई है, और चुनाव का मौसम चल रहा है। श्यामली से शरद मलिक यूपी तक।